अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे, ये है प्रिंसेस स्ट्रीट वेस्ट एंड गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। प्रिंसेस गार्डन की तो मैं आपसे पहले लास्ट वीडियो की थी मैंने शेयर आपके साथ। तो अभी ये है थोड़ा सा उस वाले पार्क से ये थोड़ी सी 10-15 मिनट्स की वॉक पे है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो आज मैं आपको इस पार्क की सैर करवाऊंगी, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज यहाँ पे माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट फ्यू डेज से तो यहाँ पे काफ़ी सर्दी थी, 7-8 टेम्परेचर था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी बहुत थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फ्राइडे है तो मौसम भी बहुत खूबसूरत है, धूप भी बहुत तेज़ है और विंडी भी नहीं है और धूप से ही लग रही है जिसम में। तो मैंने कहा चले हम थोड़ी सी नेचुरल विटामिन डी ले के आते हैं और साथ में आपको ये खूबसूरत गार्डन की सैर करवाऊँगी। तो यहाँ पे तो लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको ऊपर से थोड़ी सी यहाँ से बनाने के बाद ऊपर, यानी कि ये तो नीचे है ना, हिल के नीचे आए हैं हम। तो जब मैं वापसी पे जाऊँगी आपको प्रिंसेस स्ट्रीट दिखाऊँगी। थोड़ी सी बिज़ी भी हो गई है आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी, यानी कि लोग भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि लोग भी घर बैठ बैठ के फेड अप हो गए हैं, जैसे कि हम हुए हैं। तो बस अब लोग निकल रहे हैं बाहर, तो अल्लाह ताला आप सबके ऊपर अपना करम करे और इस वायरस को ख़त्म करे और हमारी इससे जान छुड़वाए और सबके ऊपर अपना रहम करे अल्लाह पाक। और ये देखिए इस साइड पे कैसल है, ये कैसल की बैक साइड है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये कैसल की बैक साइड है। तो कई जगहों पे तो अभी भी लॉकडाउन है अभी, यानी कि जैसे पाकिस्तान इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी हद तक अब ठीक हो गया है लॉकडाउन। लास्ट फेज अभी नेक्स्ट वीक खुलेगा, आई थिंक 6 जून को सुना है, नेक्स्ट वीक, नो नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वीक खुलेगा। तो देखिए क्या होता है, अल्लाह ताला है फिर। तो ये अभी हम आए हैं थोड़ा सा नीचे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर है प्रिंसेस स्ट्रीट, ये थोड़ी सी हील है, शायद आपको वीडियो में ठीक से नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये हील है। हम नीचे आए हैं तो ऊपर ये सारी प्रिंसेस स्ट्रीट है। तो प्रिंसेस स्ट्रीट भी अब थोड़ी सी बिज़ी होना शुरू हो गई है लॉकडाउन, आपको मैंने बताया है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो गया। अभी लास्ट फेज इन्होंने ओपन करना है 6 जून को, तो फिर देखें ये क्या क्या खोलते हैं, एयरपोर्ट वगैरह या किसी की, यानी कि ट्रैवलिंग भी खुल जाएगी। ट्रैवलिंग तो अभी भी लोग कर रहे हैं लेकिन यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है, अभी आप कहीं आ जा नहीं सकते। लेकिन सुना है कि 6 जून के बाद ये थोड़ा सा करेंगे, तो फिर देखते हैं अल्लाह ताला बेहतर करें हम सब के लिए। तो यहाँ पे तो स्कूल भी ओपन है, आज फ्राइडे है, हाफ़ डे है यहाँ पे, स्कूलों में हाफ़ डे होता है फ्राइडे को। तो फिर हमने सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ा, तो मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा चले ये गार्डन की आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये एलिफेंट का मोन्यूमेंट बना हुआ है यहाँ, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये आगे एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है, मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाती हूँ।
ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, दूर से लग रहा था तो मैंने कहा चलिए नज़दीक जाके देखते हैं, तो ये बहुत प्यारा था। मैं और नज़दीक जाके दिखाती हूँ। तो ये हम बाहर ही खड़े होकर बना रहे थे क्योंकि ये इन्होंने बंद किया हुआ है, अंदर नहीं अभी जा सकते। शायद इसकी कोई टाइमिंग हो या अभी इन्होंने बंद रखा हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन ये हम बाहर ही खड़े होकर इसकी वीडियो बना रहे हैं। जैपनीज टाइप का लग रहा है। हम भी इस गार्डन में इतना ज़्यादा नहीं आए, काफ़ी कम, बहुत यानी कि कम आए हैं, काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लावर शॉप है और आई थिंक ओपन है, अभी देखते हैं। कैफे भी है साथ। अभी देखते हैं अंदर क्या है, मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये है फ्लावर शॉप और साथ कैफ़े भी है और आप यहाँ बाहर बैठ के खा पी भी सकते हैं। अच्छी शॉप है, हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये पार्क की साइड पे ये कर रहे हैं योगा, तो इनकी क्लास हो रही है। मैंने कहा चलिए ये भी आपको एक छोटा सा सीन दिखाती हूँ। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे समर अब शुरू हो गया। समर तो यहाँ पे इतना खास नहीं आता लेकिन फिर भी लोग ये मंथ एंजॉय करते हैं तो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं लोग। तो फिर ऐसी क्लासेस योगा जिम की आप ऐसी क्लासेस ले सकते हैं। तो ये साइड पे है एक पार्क, बच्चों का पार्क है, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा बना हुआ है। ये उस साइड पे है प्रिंसेस स्ट्रीट, सेंटर में गार्डन है और इधर राइट हैंड साइड पे है ट्रेन ट्रैक, यानी कि सो ब्यूटीफुल। प्रिंसेस स्ट्रीट भी है, गार्डन भी है, ट्रेन स्टेशन भी है, वेरी नाइस। और ये है इस साइड पे ट्रेन ट्रैक और ये पीछे कैसल है, कैसल की बैक साइड। यहाँ पे ब्रिज है राइट हैंड साइड पे जो अभी इन्होंने क्लोज की हुई है। अभी इधर नहीं आप जा सकते क्योंकि ये यहाँ पे है थोड़ा सा डेंजरस, क्योंकि यहाँ से स्टोन गिरते थे, यानी कि 2-3 साल हो गए हैं, तो फिर इन्होंने ये ब्रिज क्रॉस कर दिया। अभी ये इन्होंने लिखा भी हुआ है फॉलिंग रॉक्स, नहीं तो आप यहाँ से वॉक करके ऊपर कैसल पे भी जा सकते हैं। सो दिस ब्रिज इज क्लोज नाउ। तो ये मुझे फूल इतने खूबसूरत लगे, ये देखिए पिंक कलर के, आगे वाइट कलर के भी हैं और ऑरेंज भी हैं, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि दिल कर रहा था इनको खड़े होकर देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनका सुनो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इधर आगे ऑरेंज कलर के भी बहुत अच्छे लग रहे हैं,
अपनी वॉइस भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। साथ पिंक पिंक भी दो तीन डिफरेंट कलर के हैं, एक थोड़ा सा पिंकिश है, एक थोड़ा सा लाइट पिंक है, एंड ये ऑरेंज ऑरेंज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल। तो अब हम जा रहे हैं वापस, तो मैं आपको अब थोड़ा सा प्रिंसेस स्ट्रीट दिखाती हूँ। तो ये गार्डन से जैसे ही बाहर निकलते हैं प्रिंसेस स्ट्रीट है, इस साइड से हम नीचे गए थे, इस साइड से इस दूसरी साइड से मुड़ पर आए हैं। तो अब वो आगे हैं प्रिंसेस स्ट्रीट, जैसे ही ऊपर आए हैं प्रिंसेस स्ट्रीट है, तो ये अभी 9-10 बजे का टाइम है, इतनी बिजी नहीं है, तो आफ्टरनून पे ज़्यादा बिजी होती है। तो आज की मेरी वीडियो यही तक थी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।